जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हमेशा चर्चाओं का विषय रहते हैं, कई बार अपनी इंजरीज को लेकर तो कई बार दोस्तों टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि जितने बेहतरीन ये बल्लेबाज हैं, जितने बेहतरीन ये गेंदबाज हैं, वो धीरे धीरे दोस्तों इनका कहीं ना कहीं जो बेहतरीन पना है यानी कि एक काबिलियत है वो कम होती नजर आ रही है मैदान पर। हाल ही में हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा दोस्तों, जिस प्रदर्शन की इनके बल्ले से इनकी गेंद से उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिला पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के खिलाफ। लेकिन बात करेंगे दोस्तों इस बेहतरीन खिलाड़ी की संपत्ति के बारे में कि अपने चले इस छोटे से बेहतरीन से करियर में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने कितने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करी है। साल 2021 को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी वो आपको बताने वाले हैं, सारी जानकारी दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होने वाली है। 2021 को लेकर ये रिपोर्ट से तो इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। आपको बता दें दोस्तों कि एक छोटे से परिवार से आने वाले हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों ही भाई हैं दोस्तों, उनके पिता ने क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट किया और अपने दोनों बेटों को सपना पूरा करने के लिए कई तरह का त्याग भी किया, यानी कि दोस्तों जो हर माता पिता करते हैं वो किया, लेकिन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ने उसका रिजल्ट भी दिया। आपको बता दें आज उसी का नतीजा है कि एक समय मैगी खाकर अपना पेट भरने वाले पांड्या सबसे अमीर क्रिकेट खिलाड़ियों की लिस्ट में आते हैं। हार्दिक ने अपने खेल में ऊंचे मुकाम हासिल करने के साथ साथ अपनी कमाई और अपनी करोड़ों की संपत्ति को लेकर भी दोस्तों इजाफा किया है। आइए दोस्तों इनके करियर के साथ इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अक्टूबर 1993 में गुजरात के सूरत में जन्मे हार्दिक का करियर साल 2015 में IPL से शुरू हुआ था। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को 15 लाख में खरीदा और इस मौके ने हार्दिक की किस्मत ही पलट दी। IPL में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए अगले ही साल हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में एंट्री मिल गई और वो टीम इंडिया का अहम हिस्सा भी बन गए। जनवरी 2016 में हार्दिक का T20 में और उसी साल वनडे में भी डेब्यू हुआ उनके खेल को देखते हुए। अब हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर हैं जो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी सामने बल्लेबाज को नचाते हैं। अब खेल का रुख पलटने वाले अकेले दम पर हार्दिक पांड्या दोस्तों इतना मादा तो रखते हैं कि कभी भी वो मैच पलट दे बल्ले से भी गेंद से भी, और फील्डिंग क्या लाजवाब। उन्होंने अपने ऑलराउंडर खेल से कई अवसरों पर भारतीय टीम के लिए शानदार खेल दिखाया है। IPL में मुंबई इंडियंस की खिताबी जीतों में इस खिलाड़ी की इतनी बड़ी भूमिका रही है जिसको रोहित शर्मा और उनकी मुंबई पलटन ही जानती है। बात की जाए टीम इंडिया की तो एक समय पांड्या तीनों ही फॉर्मेट के भारत का टीम का अहम हिस्सा बन गए थे। उन्हें टेस्ट प्रारूप में शतक भी बनाया है, लेकिन इंजरी के चलते हार्दिक कुछ समय से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे ठीक ठाक तरीके से। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा क्योंकि टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। हालांकि हार्दिक एक बार फिर भारतीय टीम के लिए फिट होकर अपना भरपूर योगदान देने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में मौका दिया गया लेकिन उस मौके को उस तरीके से नहीं बना पाए। अब बात करें इनके करियर की दोस्तों, तो टीम के लिए 11 से ज्यादा टेस्ट, 60 से ज्यादा वनडे और 48 से ज्यादा T20 मैचेस खेल चुके हैं 2021 की शुरुआत तक। हार्दिक के नाम एक शतक, 11 अर्धशतक दर्ज हैं। पांड्या ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अकेले ही जो दमदार पारी खेली थी उसको कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन रन आउट हो गए थे और भारत की मैच जीतने की उम्मीद भी इनके साथ पवेलियन लौट आई थी। संपत्ति पर आए दोस्तों, तो हार्दिक ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो उनकी मेहनत का ही है। 2021 में शुरुआत की जो नतीजे सामने आए थे इनकी नेटवर्थ को लेकर वो $4 मिलियन से ज़्यादा के थे, इसमें इजाफा भी हुआ है साल के खत्म होते होते। करीब 30 करोड़ है दोस्तों इनकी नेटवर्थ। आपको बता दें पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। हार्दिक की कमाई का अगर मुख्य सोर्स माना जाए तो IPL और BCCI से मिलने वाली फीस है। कई ब्रांड्स का प्रमोशन भी करते दिखते हैं। हार्दिक पिछले 6 सालों से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं, उनको हर साल करीब मुंबई 11 करोड़ बतौर फीस देती है। इसके अलावा BCCI से भी उन्हें सालाना 2-3 करोड़ तक फीस मिलती है। दोस्तों 11 करोड़ अब हुई है, इससे पहले कम थी और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उनको खेल के देखते हुए, क्योंकि शुरुआती फीस उनकी 15 लाख थी, फिर 15 लाख से बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी तो करते करते 11 करोड़ तक पहुँच गई। IPL के दौरान तथा इसके अलावा भी हार्दिक कई ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं जिसके लिए भी उन्हें अच्छी खासी फीस मिलती है। हार्दिक की सालाना कमाई करीब 10 करोड़ है। वे भारत के 40 सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में आते हैं। BCCI से दोस्तों ने 2-3 करोड़ तक फीस मिलती है, आपको बता दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों हार्दिक पांड्या की जो ये संपत्ति है, इसके अलावा दोस्तों इनके पास जो प्रॉपर्टीज का कार है उनकी कीमत भी करोड़ों में है। ज्यादातर अमीरों की तरह हार्दिक को भी बड़ी और महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास कुछ ऐसी गाड़ियों कलेक्शन है जिसके सपने हर कोई देखता है। उनके पास 60 लाख की रेंज रोवर, 60 लाख की ओडी, 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, इसके अलावा 2 करोड़ की मर्सिडीज और पोर्शे है, 25 लाख की जीप और 10 लाख की टोयोटा के भी हार्दिक मालिक हैं। इसमें दोस्तों इजाफा भी हुआ है, कुछ कार बेची खरीदी भी गई हैं जो रिपोर्ट अपडेट होती रहती है। हार्दिक पांड्या मुंबई में अपनी माता और बड़े भाई कुणाल और भाभी और अपनी पत्नी नताशा और बेटे अगस्त्या के साथ अपने 10 करोड़ से ज़्यादा के
कीमत वाले आलिशान घर में रहते हैं। हाल ही में उनके पिता हिमांशु पांड्या का देहांत हुआ था, जिसका गम दोस्तों हार्दिक पांड्या ने काफ़ी जताया था। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई थी। और हार्दिक पांड्या का दोस्तों करोड़ों की महंगी घड़ियों का भी शौक है, और हाल ही में दोस्तों 1.5 करोड़ की घड़ियों को लेकर भी ये विवाद में फंसे हैं। अब देखते हैं वो मामला क्या सामने आता है। लेकिन ये थी दोस्तों टोटल संपत्ति जो एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।